उत्तराखंड के अंदर ऐसे मंजर आप बहुत देख चुके हैं, अब इसकी आदत डाल लीजिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसके ऊपर काम कर रही है। ये चीज़ क्या है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। 2021 में चमोली में ऋषि गंगा और धौली गंगा, इसमें अचानक से झील में जल स्तर बढ़ा और बाढ़ खतरनाक रूप में आपने देखी, जिसमें हमारे यहाँ पर जान और माल की हानि हम लोगों को बहुत सी हुई। ये मंजर हम देख के आ चुके हैं। इवन कुछ जानकार का तो ये कहना है कि 2013 में केदारनाथ यात्रा में, केदारनाथ में भी जो हम लोगों ने फेस किया है, चैलेंज किया है, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण था। इवन अभी 2024 में सिक्किम में भी हम लोगों को ऐसी ही घटना देखने को मिली। तो ये है क्या चीज़? दरअसल ये जो ग्लेशियल लेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक इस टाइप की लेक है, इस प्रकार की झील है कि जो हमारे यहाँ पर हिमनद या ग्लेशियर होते हैं, उन ग्लेशियर से अचानक कहने का सेंस, जो उनके पिघलने की जो मात्रा है, जो ग्लेशियर के पिघलने की रेशियो चला रहा है, वो रेशियो अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ी। और वो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो आगे जा करके वो एक बाढ़ का रूप ले लेगी। ये ऐसी मात्राएं अचानक से नहीं होती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ग्लेशियर के अचानक से पिघलने के कारण बनते हैं। और वो कारणों में हमारे सामने कई सारे कारण हम लोगों को पता है ज्योग्राफर्स ने। और ऐसे जो रीज़न है, उत्तराखंड के अंदर ऐसे कई सारे जगह स्पॉटिंग की गई है कि ये एक ऐसे रीज़न है जहाँ पर इस टाइप की घटनाएं हमको देखने को ज़्यादा मिल सकती है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। इस टाइप की लेक में जो ग्लेशियर होता है, जो हिमनद होता है, वो ग्लेशियर धीरे 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 क्या है, पिघलना शुरू करता है। और उसके पिघलने से एक डैम बनती है जिसको मोराइन डैम्ड लेक बोलते हैं। इसके अंदर जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता चला जाता है, उससे ये जो डैम है, ये डैम कमजोर होता चला जाता है। अगर ये डैम यहाँ से टूट जाए तो ये पानी पूरा का पूरा एकदम से फ्लो कर जाएगा, और फ्लो जैसे ही करेगा ये पानी, वहां पर एकदम से बाढ़ के आने की संभावनाएं तुरंत बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड के अंदर ऐसी हम लोगों ने 13 साइट स्पॉट की है। 13 ऐसी जगह हैं उत्तराखंड के अंदर जहां पर इस टाइप की घटनाएं हम लोगों को बहुत देखने को मिल सकती है। और इन 13 जगहों में सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ और चमोली के अंदर हम लोगों को देखने को मिली है। अब इन चीजों से किस तरीके से ये बढ़ रही हैं, सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को नजर आ रहा है वो है फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर कहने का मतलब जंगलों में ये जो आग लग रही है, इस जंगलों की आग से हमारे ग्लेशियर्स पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वैसे मैं आपको उस बात सिर्फ उत्तराखंड से कोरिलेट करके बता रहा हूँ, तो उत्तराखंड के अंदर लगभग 980 ग्लेशियर हैं, और इन 980 ग्लेशियर में सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर देखे तो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, जो लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बारे में भी हमारे सामने रिपोर्ट है कि हर साल 15 से 20 फीट ये पीछे हटता जा रहा है। इसका मतलब 15 से 20 फीट हर साल ये पिघलता हुआ जा रहा है। इसका सेंस हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो इस तरीके से ग्लेशियर के पिघलने की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हम लोगों को बताएं। तो उन कारणों में एक बड़ा कारण उत्तराखंड के अंदर बताया है फॉरेस्ट फायर का। एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है हमारे सामने, और एक कारण भूकंप भी हमको बताया गया है। वैसे उत्तराखंड में अगर इन कई सारे कारणों को देखा जाए तो एक बड़ा कारण हमारे सामने फॉरेस्ट फायर का नजर आता है। अब फॉरेस्ट फायर कैसे है उसके बारे में पहले बता चुका हूं। अब इसके अंदर फॉरेस्ट फायर होगी तो सीधा सा प्रभाव पड़ेगा हमारे जंगली जानवरों पर। उनके घर उजड़ेंगे तो वो अपने घर से बाहर, जंगल से बाहर आपके रहने की जगह में आएंगे, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उससे क्या है, हमारी एक साइकिल जो है वो एक तरीके से डिस्टर्ब होगी। ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट, मानव और
पशुओं का संघर्ष हम लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें मानव भी मरेंगे और पशु भी मरेंगे। बट ये चीज किस चीज से स्टार्ट हो रही है? एक फॉरेस्ट फायर इसके केंद्र बिंदु में अब हो चुका है। इस फॉरेस्ट फायर से हम लोगों को ये भी देखने को मिला, और उस फॉरेस्ट फायर से हम लोगों को एक कहीं ना कहीं ग्लेशियर के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ग्लेशियर पर इम्पैक्ट कैसे? हर टाइम आग थोड़ा ही जल रही है, लेकिन उस आग की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या जमा हो रहा है? ब्लैक कार्बन। अब ये ब्लैक कार्बन क्या चीज है, इसको ध्यान से समझना आप। ये ब्लैक कार्बन की तरफ हम लोगों को किसने बताया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इवन वाइडिया इंस्टीट्यूट, इन सब लोगों ने इस ब्लैक कार्बन की तरफ इशारा किया है कि उत्तराखंड के अंदर ये जो झील झील से हमारे यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ने के लिए जा रही है, उसमें एक बड़ा फैक्टर ब्लैक कार्बन भी करेगा। अब ये ब्लैक कार्बन क्या चीज है? जब कोई आप पेपर जलाते हैं, कोई भी आप कागज का टुकड़ा जलाते हैं, या फिर आपने कोई भी लकड़ी जलाई, तो ब्लैक कलर का धुआं और उसके साथ छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स भी आसमान की तरफ जाते हैं, और वही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लाउड जो हमारे बादल हैं बादलों में जा करके पंच होते रहते हैं, वो चिपकते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क पड़ता है हमारी एल्बिडो पर। अब ये एल्बिडो क्या चीज है? एल्बिडो होती है हमारी जो सन की रेज है, सूरज की किरणें जो आ रही है, इन सूरज की किरणों के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं एल्बिडो। कोई सन की रेज आई, सूरज की किरण आई, और वो जितना तेजी के साथ वापस पहुंच गई, इसका मतलब ये एल्बिडो ज्यादा है। अब ये चीज ध्यान से समझो, जब आप गर्मी के टाइम में आते हैं तो गर्मी के टाइम में आप कपड़े हल्के पहनते हैं, हल्के रंग के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की किरण आएगी तो वो रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाएगी, तो आपको गर्मी का आभास कम होगा। वहीं सर्दियों में आप गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, आपने ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, गहरे कलर, उससे क्या है, वो सन की रेज आएगी, वो अवशोषित होती है, तो उससे हीट आपको मिलेगी, है ना। सेम चीज हमारी हर जगह पर काम करती है। जो हमारे बर्फ वाले रीजन है, बर्फ वाले क्षेत्र है, उन बर्फ वाले रीजन में एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। सन की रेज आती है, बर्फ से टकरा के वापस चले जाती है, तो ऊष्मा रुकती नहीं है, इतनी नहीं रुकती है, हीट इतनी नहीं रुकती है। लेकिन अगर वहां पर ब्लैक कार्बन पड़ा हो, मतलब ये फॉरेस्ट की राख पड़ी हो, तो क्या होगा, सन की रेज रुकेगी, रुकेगी तो हीट, और हीट तो फिर क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने की मात्रा बढ़ेगी। एक कारण तो उस सरफेस पर है, और दूसरा कारण है उस बादल पर। बादल में क्या है, पहले जो हमारे यहाँ पर बादल है, अगर सिंपल देखा जाए तो यहाँ से वाटर वेपर ऊपर जाएगी, ऊष्मा हमारे यहाँ पर जल वाष्प ऊपर जाएगी, वो पानी के रूप में ऊपर जमा होगी, स्नो के रूप में होगी, या फिर बादल होंगे, आपने वाइट वाइट कलर के बादल देखते होंगे, तो उसमें क्या है, हमारे सन का अल्बिडो बढ़ता है, ऊष्मा रुकती नहीं है, वो वापस पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो ही काले बादल होंगे तो क्या होगा, ऊष्मा रुकेगी, हीट रुकेगी, हीट रुकेगी तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलेगा। तो ये चीज, ये संभावनाएं हमारे सामने अब ज्यादा और जताई जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर इस टाइप की ग्लेशियल लेक आउटबर्स फ्लड की मात्रा अब आगे और बढ़ने के लिए जा रही है। अब उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम पेड़ बचा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। जितने ज्यादा मात्रा में आप पेड़ लगाएंगे, जितने ज्यादा मात्रा में आप पेड़ बचाएंगे, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं बन जाती है कि इस टाइप की घटनाएं शायद हमारे यहाँ पर कम हो। हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको भी आप दूर कर सकते हो इन चीज़ों से। आप बहुत से छोटे छोटे काम कर सकते हो अपने ही निजी लेवल पर रह करके, जिससे हमारे यहाँ पर एक तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े,
बहुत सारे ऐसे चीज काम कर सकते हो आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए आप 100 200 500 रुपए का आप खर्चा कर रहे हैं, आप उसमें आधा खर्चा करके आप पार्टी कैंसिल मत करो, उस पार्टी के अंदर आधा खर्च कर दो और आधे खर्च में आप 10 20 पेड़ लगा सकते हैं, आप अपने यार दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं अपने घर के बाहर लगा के, चेक करूंगा मैं। ऐसे छोटे छोटे इनिशिएट हम लोग को करने पड़ेंगे। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ, ये क्या है, ये सब चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है जिस चीज़ को हम अब काटते हुए जा रहे थे। तो आप लोगों के लिए भी ये एक मैसेज है और ये चैलेंज है, संभल करके रखिएगा।